हेलो एवरीवन। तो अब अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, लिनक्स पार्टीशन मैनेजमेंट। भाई लिनक्स के ऊपर हार्ड डिस्क में पार्टीशंस कैसे क्रिएट करते हैं, पार्टीशंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, पार्टीशंस में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, इसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपको पता है कि भाई हम जब लिनक्स को इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने पार्टीशन बनाया था, वो बात समझ में आती है। अब कोई आपसे ये बोले कि भाई ये लिनक्स ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इस पर एक पार्टीशन बना के हमें देगा हार्ड डिस्क में जो लगी हुई। विंडो में कैसे बनाते हैं? विंडो में सिंपल है भाई, आप डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये कनेक्टिंग टू कर रहा है अभी, तो यहाँ से जाके हम क्रिएट करते हैं विंडोज़ में, है ना। तो वही चीज़ हमें लिनक्स में देखनी है। चलो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, खुल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो पूरा खेल वही है कि भाई लिनक्स में एक हार्ड डिस्क हमने एक्स्ट्रा लगा दिया और उसके ऊपर पार्टीशन बनाने कैसे बनाएंगे, या जो एक लगी हुई है उसी पर कैसे बनाएंगे, ये पूरा खेल है आज। तो थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं हम इसको। टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? पार्टीशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे भाई टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। कितने टाइप्स के हार्ड डिस्क होते हैं? टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है भाई दो टाइप की हार्ड डिस्क मार्केट में आ रही है आपके पास, है ना, एक साटा और एक पाटा। साटा बोले तो सीरियल अटैच और पाटा बोले तो पैरल। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ओवरव्यू दूंगा सिर्फ। पाटा जो है पुराने जनरेशन की है भाई, 40 पिन की होती थी, साटा नए जनरेशन की है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने साटा एक हार्ड डिस्क आपने लगाया साटा की, तो उस हार्ड डिस्क का नाम क्या आएगा पता है? उस हार्ड डिस्क का नाम आएगा STA। अगर आपने दूसरी हार्ड डिस्क लगा दी तो उसका नाम क्या आएगा? SDB, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है SDB। अगर आपने तीसरी हार्ड डिस्क लगाई तो उसका नाम क्या आएगा पता है? उसका नाम आ जाएगा SDC। ऐसे नेमिंग कन्वेंस होते हैं लिनक्स में, SDC। ऐसे ही अगर आपने पाटा हार्ड डिस्क लगाया तो नाम क्या आएगा पता है? पहली हार्ड डिस्क का नाम आएगा HDA। दूसरी हार्ड डिस्क लगाई अगर आपने लिनक्स के ऊपर तो उसका नाम क्या आएगा, अगर आप OS से जाके चेक कर रहे हो तो HDB। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले हार्ड डिस्क का नाम SDA, दूसरी हार्ड डिस्क का नाम HDB, तीसरी का SDC, फिर D, ऐसे आता है। अब कोई बोलता है कि भाई SDA इस हार्ड डिस्क के अंदर जाके हमने एक पार्टीशन बनाया, तो पार्टीशन का नेमिंग कन्वेंस क्या होगा? SDA1। किसने बोला दूसरी पार्टीशन बनाया तो अब क्या नेमिंग कन्वेंस होगा? तो इसका नेमिंग कन्वेंस होगा दोस्तों SDA2। ऐसे नेमिंग कन्वेंस होता है। किसने बोला भाई तीसरी पार्टीशन बना दी अब नेमिंग कन्वेंस क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं इसका नेमिंग कन्वेंस अब होगा SDA3। ये नेमिंग कन्वेंस, समझ आ रही है मेरी बात यहां पे? चलो अब बात करते हैं कि लिनक्स के ऊपर टाइप्स ऑफ पार्टीशन, कितने पार्टीशन हम बना सकते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ पार्टीशन की अगर बात करें तो दोस्तों लिनक्स में दो टाइप्स के पार्टीशंस हैं। ठीक है, एक पार्टीशंस आपका प्राइमरी होता है और एक पार्टीशंस आपका होता है एक्सटेंडेड। दो टाइप के पार्टीशंस यहां पे बनते हैं। एक पार्टीशंस बनता है आपका प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है, और दूसरा, तो एक पार्टीशन आपका प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है, दूसरा पार्टीशन होता है दोस्तों यहां पे एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राइमरी पार्टीशन की लिमिट कितनी होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन की लिमिट कितनी होती है। पार्टीशन तो दो टाइप के हैं, प्राइमरी और एक्सटेंडेड। अगर प्राइमरी पार्टीशन की लिमिट की बात करें तो मिनिमम प्राइमरी पार्टीशन आप एक बना सकते हो और मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन आप 4 बना सकते हो।
ऐसी एक स्टैंडर्ड पार्टीशन की बात करें तो मिनिमम इसकी लिमिट 0 होती है, आप नहीं बनाए तब भी चलेगा, मैक्सिमम आप 1 से ज़्यादा नहीं बना सकते। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो आप प्राइमरी पार्टीशन मिनिमम 1, मैक्सिमम 4, एक्सटेंडेड पार्टीशन मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। हाँ, एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो। अब ये लॉजिकल क्या होता है अभी बात करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉजिकल पार्टीशन आप बना सकते हो, नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशन आप बना सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशन हम बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, समझो ये हार्ड डिस्क हमारे पास 500 GB की है, ठीक है, 500 GB की ये एक हार्ड डिस्क है, अब बात आती है भाई इस 500 GB के हार्ड डिस्क में आपने क्या किया, प्राइमरी पार्टीशन एक बना लिया, आपने एक प्राइमरी पार्टीशन बना लिया 100 GB का, ठीक है। उसके बाद आपने, हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक हार्ड डिस्क के ऊपर हम मैक्सिमम ना 4 पार्टीशन बना सकते हैं, मैक्सिमम हम 4 पार्टीशन बना सकते हैं प्राइमरी और एक्सटेंडेड को जोड़ के, मैं लॉजिकल की बात नहीं कर रहा अभी। तो आपने क्या किया, एक प्राइमरी पार्टीशन बनाया और दूसरा फिर आपने प्राइमरी पार्टीशन बनाया, ठीक है, तीसरा फिर आपने पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन बनाया, तीसरा भी आपने प्राइमरी पार्टीशन बनाया, ठीक है, ये सारे 100 GB के आप बना रहे हो, और चौथा आपने फिर प्राइमरी पार्टीशन बनाया, तो आपने 4 पार्टीशन बना ली। अब मैं आपको बता दूं, जब हम हार्ड डिस्क लेते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर एक MBR प्रोग्राम होता है, मास्टर बूट रिकॉर्डर, वो MBR प्रोग्राम में लिखा होता है कि भाई 4 पार्टीशन से ज्यादा नहीं क्रिएट होंगे, तो आपने 4 बना लिए, प्राइमरी 4 आपने बना लिया, तो अब 5वां पार्टीशन क्रिएट नहीं हो सकता, तो आपका अगर स्पेस खाली भी है तो ये वेस्ट हो जाएगा। हां, अगर आपने चौथा नंबर प्राइमरी ना बनाकर आपने एक्सटेंडेड बनाया होता, चौथा नंबर का पार्टीशन आप प्राइमरी ना बनाकर एक्सटेंडेड बनाए होते तो आप एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल बना सकते थे। अब कोई बोलता है कितने लॉजिकल बना सकते थे दोस्तों, तो मैं आपको एक अपनी एक्सीडेंट केस बताता हूं। देखो, रेड हार्ट बोलता है कि भाई 11 बना सकते हो लॉजिकल एक्सटेंडेड के अंदर, लेकिन मैंने एक बार प्रैक्टिकल देखा था कि मैं 57 तक बना लिया था, राइट, तो मैं अपनी लाइफ अपना एक्सीडेंट बता रहा हूं कि भाई 57 तक मैंने बनाए, बट ट्रेडेड अपने बुक में लिखता है कि भाई 11 से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो मुझे उनका प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया, तो मैंने एक बार R&D करने बैठा था, तो मैं बनाता गया तो 57 तक बन गए, हाँ 57 के ऊपर नहीं गया था, ठीक है, आप भी एक बार ट्राई करिए। तो अगर आपने 3 प्राइमरी पार्टीशन बनाया और चौथा एक्सटेंडेड बनाया, तो आप एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल नंबर ऑफ बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि MBR क्या बोलता है कि मैं तो सिर्फ प्राइमरी और एक्सटेंडेड को कंसीडर करता हूं, मैं प्राइमरी और एक्सटेंडेड को काउंट करता हूं कि प्राइमरी और एक्सटेंडेड को मिलाकर 4 से ज्यादा नहीं बनेंगे। अब लॉजिकल तो एक्सटेंडेड के अंदर बनते हैं, लेकिन अगर आपने चौथा भी प्राइमरी बना लिया तो प्राइमरी के अंदर तो लॉजिकल नहीं बनता ना, तो वेस्ट हो गया। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या कहता है कि एक हार्ड डिस्क की जब आप मैनेजमेंट करें तो आप 4 प्राइमरी मत बनाइए कभी, अगर आपने 4 प्राइमरी बना लिया तो ये ड्रॉबैक हो जाएगा, फिर आप और पार्टीशन नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो कहा जाता है 3 ही प्राइमरी बनाइए और चौथा आप एक्सटेंडेड बनाइए, जिससे आप फर्दर लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और जब इसकी प्रैक्टिकल करेंगे तो और बढ़िया से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखो, हमने हार्ड डिस्क ऊपर पार्टीशन क्रिएट कर लिया, अब बात आती है कि भाई इस पार्टीशन पे डेटा कैसे स्टोर करेंगे भाई। तो आपने देखा होगा कि अगर विंडो के ऊपर भी हमने पार्टीशन बना लिया तो इस तरीके से हम पार्टीशन यहां पर क्रिएट करते हैं। तो चलो आप बात करते हैं भाई फाइल सिस्टम, है ना, फाइल सिस्टम कैसे असाइन करेंगे आप और कौन कौन से फाइल सिस्टम होते हैं। तो लिनक्स के ऊपर जो फाइल सिस्टम होता है ना, वो एक होता है EXT2, जैसे विंडोज में होता है NTFS EXT2,
एक आपको मिलेगा EXT3, एक आपको मिलेगा EXT4 और एक मिलेगा आपको XFS। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, EXT2 जो था वो RHEL4 पे आया था, जब रेड हैट का RHEL4 लॉन्च हुआ था तब आया था, और 3 आया था जब RHEL5 लॉन्च हुआ था तब आया था, और 4 जो है वो आया था जब RHEL रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 6 आया था, और XFS आया था 7 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पार्टीशन बनाएंगे और उसको फाइल सिस्टम असाइन करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, लिनक्स में जब आप पार्टीशन बनाते हो ना, तो पार्टीशन को एक आईडी असाइन होती है ना, उस आईडी से आइडेंटिफाई होता है कि ये प्राइमरी पार्टीशन है या एक्सटेंडेड पार्टीशन है या लॉजिकल पार्टीशन। तो अगर आपने प्राइमरी पार्टीशन बनाया, ठीक है, तो प्राइमरी पार्टीशन का जो आईडी है वो आपको पता है 83 मिलेगा हमेशा, 83। और एक्सटेंडेड पार्टीशन का जो आईडी है वो आपको मिलने वाला है 5। ठीक है, और उसके बाद लॉजिकल पार्टीशन का जो आईडी है, अगर लॉजिकल पार्टीशन की बात करें, लॉजिकल पार्टीशन की आईडी की बात करें, तो ये भी 83 होता है। तो आप कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्राइमरी का भी 83 है और लॉजिकल का भी 83 है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पार्टीशन बनाओगे, ठीक है, तो प्राइमरी पार्टीशन का जो नंबर होता है वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसा रहेगा। प्राइमरी पार्टीशन का जो नंबर है वो कभी भी आपको 5 नहीं मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। तो अगर आपका हार्ड डिस्क SDA है और आपने इसके अंदर पार्टीशन बनाया SDA1, अगर ये प्राइमरी है तो हेक्स इसका जो कोड है वो 83 तो रहेगा, लेकिन इसका नंबर क्या होगा, SDA1 ही रहेगा। ऐसी अगर SDA2 आपने बनाया और प्राइमरी है तो नंबर इसका 83। ऐसे आपने SDA3 बनाया, नंबर अगर आपने चौथा भी बनाया तो SDA4 हो गया। मतलब प्राइमरी पार्टीशन का नंबर कभी 5 नहीं हो सकता, कभी 6 नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना। और अगर आपने 4 प्राइमरी बना लिया तो एक्सटेंडेड बन ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, SDA4 जो बनाओगे वो एक्सटेंडेड बनाया आपने, तो हेक्स कोड इसका क्या हो गया, आईडी क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल बनाएंगे, है ना। अगर आपने एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल बनाया, मान लो लॉजिकल आपने SDA5 बनाया, तो इसका हेक्स कोड क्या होगा, 83 होगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी है या लॉजिकल है, तो अगर आपको पार्टीशन नंबर 1 2 3 4 तक मिलता है और हेक्स कोड 83 होता है, तो आपको समझना ये प्राइमरी है। और अगर पार्टीशन नंबर 5 से स्टार्ट होता है और उसका हेक्स कोड 83 है, तो आपको क्या समझना है, दिस इज अ लॉजिकल। ऐसे आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये पार्टीशन के ऊपर एक थ्योरी था और इसकी जो लैब है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलो मिलते हैं फिर पार्टीशन के लैब में, कैसे लैब करेंगे बात करेंगे अगले वीडियो। चलो बाय बाय।